दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया के दो ऐसे बैंक्स के होम लोन्स को कंपेयर करेंगे जिस पर लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन को, इसे हम कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के साथ। अब इस वीडियो में हम होम लोन से जुड़ी हुई सारी चीजें डिस्कस करेंगे, यानी दोनों बैंक्स के होम लोन्स को कंपेयर करेंगे कि बेसिकली अगर कोई सैलरीड क्लास है तो उसके लिए होम लोन का क्या प्रोसेस है, ऐसी अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए होम लोन लेने का क्या प्रोसेस है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कोई डिफेंस बैकग्राउंड में तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन ज्यादा बेटर है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन ज्यादा बेटर है। बट इस एनालिसिस को हम स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम जैसे ही बैंक में होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैंक हमसे यही पूछता है कि आपको होम लोन किस प्रकार का चाहिए, क्या आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन चाहिए। अब ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपनी सारी होम लोन्स की वीडियो में बताया हुआ है, बट एक बार मैं फटाफट यहां पे भी आपको समझा देता हूं। देखो, जब भी हम बैंक से जाते हैं होम लोन लेने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लीजिए आज होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी बैंक बोलता है कि 7% चल रहा है, तो उस केस में अगर आप बोलते हो कि मुझे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो होम लोन मान लीजिए आप बोलते हो कि मुझे अगले 30 ईयर्स के लिए होम लोन चाहिए, कल को रेट बढ़े घटे इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ईएमआई 7% के हिसाब से चलती रहेगी, इसे तो हम बोलते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी तरफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आज होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% चल रहे हैं, कल को मान लो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के 5% पे चले जाएं या फिर मान लो बढ़ के 9% पे चले जाएं, तो जो भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा तो आपको चेंज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपनी बची हुई ईएमआई पे करनी होगी। यानी अगर कल को होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो लोन है वो जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर आपकी ईएमआई कम हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लो कल को होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो उस केस में या तो आपका बैंक टेन्योर लंबा कर देगा या फिर ईएमआई बढ़ा देगा। तो ऐसे केस में ये आपको सोचना है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल यह आता है कि इन दोनों में से अच्छा कौन सा है, तो इस केस में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से महंगे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि हम 7.5% पे अपने होम लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मान लो ये लिख दिया कि हमारे जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5%, तो ये इन्होंने लिखा है सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग के लिए। अगर आप इनसे पूछोगे ना कि आपके फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं, तो लगभग 1-1.5% महंगे ही आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। यानी अगर फ्लोटिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% चल रहा है तो आपको फिक्स्ड मिलेंगे 9% पे। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है। उसका रीजन ये है, पहली बात तो फ्लोटिंग सस्ते पे मिल जाते हैं, फिक्स्ड महंगे पे मिलते हैं। दूसरी बात, आप कहोगे कि रेपो रेट तो बढ़ता जा रहा है, होम लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट तो महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन रेपो रेट अभी एक शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, और दूसरी तरफ जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है वो भी अपने रेट्स इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से आरबीआई को भी अपने रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्टोरी है, आप टाइम के साथ साथ देखोगे, क्योंकि होम लोन ऐसा तो है नहीं कि हमें 1 साल या 2 साल के लिए चाहिए। होम लोन हम अप्लाई करेंगे 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो ऐसे केस में अगर हम लॉन्ग पीरियड की बात करें तो ऐसे केस में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके साथ साथ आपको यही देखने को मिलेगा कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको यही देखने को मिलेगा कि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में कमी होंगे। तो ऐसे में मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। उसका एक बेनिफिट और ये भी है कि अगर मान लो काफी बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने 20 ईयर्स के लिए होम लोन ले लिया, अब मान लो 5 साल के बाद मेरे पास इकट्ठा कुछ पैसा आ गया, मान लो 10-15 लाख रुपए आ गया, मैं चाहता हूं कि ये 10-15 लाख रुपए का मैं लोन जल्दी खत्म कर दूं ताकि जो मेरा टेन्योर है वो कम हो जाए। तो ऐसे केस में ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं प्री पेमेंट कर रहा हूं, और प्री पेमेंट जो पॉसिबल है वो सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही पॉसिबल है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक या तो आपको अलाउ ही नहीं करेगा या फिर आपसे पेनल्टी इंपोज करेगा, यानी आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करेगा अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो। दूसरी बात, जैसे ही हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा होम लोन 1 या 2 दिन में सैंक्शन हो जाएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, यानी एक्चुअल में बैंक में क्या प्रैक्टिस होती है। जैसे ही हम होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे होम लोन का पूरा प्रोसेस काम करता है। सबसे पहले जैसे ही आप बैंक विजिट करोगे, बैंक में मान लो आपने अपनी रिक्वेस्ट दे दी कि मुझे 20 लाख 30 लाख 50 लाख जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मान लो आपने
आपने ये कहा कि मुझे 50 लाख रुपए का होम लोन चाहिए। अब इस केस में ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, बैंक आपसे आपका पैन कार्ड लेगा, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक की क्रेडिट टीम के पास जाती है। क्रेडिट टीम आपके पैन कार्ड से ये फेच करती है कि आपकी पास की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपकी इनकम कितनी है, यानी एक तरह से आपका सिबिल स्कोर वेरीफाई होता है। और अगर लगता है क्रेडिट टीम को, मान लो आपका सिबिल स्कोर वेरीफाई के सब कुछ आपकी कैलकुलेशन करने के बाद बैंक को लगा कि ये व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 40 लाख के लोन के लिए ही एलिजिबल है, तो बैंक आपको ये बोलेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको 40 लाख रुपए का होम लोन ही दे सकते हैं। चलो ठीक है, ऐसे में कस्टमर और बैंक की एक डील हो गई कि ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा 40 लाख का ही होम लोन हमसे ले सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपकी फाइल पहले स्टेज में ही रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप में बैंक अब प्रैक्टिकल चीजें करना शुरू करता है। जैसे सबसे पहले बैंक एक नोटरी का एग्रीमेंट बनवाता है जिसमें जो सेलर है, जो घर बेच रहा है, और जो घर खरीद रहा है, यानी कि आप जो कस्टमर है, उनके बीच में एक नोटरी का एग्रीमेंट बनता है। उसके बाद बैंक एक आर्किटेक्ट असाइन करता है, ये आर्किटेक्ट उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू असाइन करता है कि मान लीजिए आपने ही कह दिया कि मुझे होम लोन चाहिए 40 लाख रुपए का, ठीक है बैंक ने कहा दे देंगे, लेकिन जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन लगाई, मान लो उस घर की वैल्यू ही 30 लाख रुपए निकली, तो ऐसे केस में बैंक आपको 40 लाख रुपए का लोन तो नहीं देगा। तो बैंक उस घर की एक एक्चुअल वैल्यू भी कैलकुलेट करवाता है, उस वैल्यू के बिहाफ पे ही बैंक फिर आपको लोन देता है। यानी इसमें एक LTV का कंसेप्ट आता है, लोन टू वैल्यू का, ये हम अगली स्लाइड में अभी समझेंगे। तो ऐसे केस में बैंक वैल्यूएशन लगाता है, उस घर की वैल्यूएशन क्या है। इसके बाद बैंक क्या करता है, जो बायर है और जो सेलर है उसकी एक फोटोग्राफ क्लिक होती है कि कौन घर बेच रहा है और कौन घर खरीद रहा है। अब ये सारी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है, यानी जो भी आपकी लोन की रिक्वेस्ट है, वो फर्दर प्रोसेस होती है। उसके बाद आपसे एक फाइल चार्ज किया जाता है, जिसे हम फाइल चार्ज बोलते हैं, जिसे हम प्रोसेसिंग फीस भी बोलते हैं। अब ये प्रोसेसिंग फीस डिपेंड करती है कितना लोन है। कोई बैंक बोलता है, जैसे SBI का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो 0.40% की प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है, यानी जितना लोन है उसकी 0.40% कैलकुलेट कर लो, उतनी प्रोसेसिंग फीस SBI चार्ज करता है। अब इसमें SBI ये भी बोलते हैं कि कम से कम 10,000 तो चार्ज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 30,000 चार्ज करेंगे। ऐसे मतलब बैंक टू बैंक डिपेंड करते हैं, नेगोशिएबल रहती है, तो इसे मैं आपको एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, आप इसे नेगोशिएट कर सकते हो। लगभग 8-10 हज़ार रुपए तो बैंक आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा। इसके अलावा बैंक आपको यह भी बोलता है कि अगर आप होम लोन ले रहे हो तो जितनी वैल्यू का आप मेरे से लोन ले रहे हो, यानी बैंक ये बोलते हैं कि जितनी अमाउंट का आप मुझसे लोन ले रहे हो, उतना आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, यानी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी कस्टमर ने 50 लाख रुपए का होम लोन बैंक से ले लिया, अब इस केस में बैंक ये बोलते हैं कि आप अपना 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी करवाओ, ये मैंडेटरी आपको करवाना ही पड़ेगा। ऐसा बैंक इसलिए बोलते हैं कि अगर मान लो कल को कस्टमर को कुछ हो जाता है, यानी मान लीजिए कस्टमर की कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कस्टमर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में फिर बैंक का पैसा बैंक को कौन रिपे करेगा। इसीलिए जो भी कस्टमर है, जो भी लोन ले रहे हैं, ये मैंडेटरी है बैंक की तरफ से, उतनी अमाउंट का, जितने का लोन है उतनी ही अमाउंट का आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना ही पड़ेगा। इन सब के अलावा एक कंसेप्ट आता है LTV का, यानी लोन टू वैल्यू का। अभी हम एक ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहे हैं कि होम लोन के क्या क्या प्रोसेस है, बाद में पूरा कंपैरिजन करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन्स का भी। अब LTV का मतलब होता है लोन टू वैल्यू। इसमें बैंक ये बोलते हैं कि जो भी घर आप परचेज कर रहे हो, अगर उसकी वैल्यू 0 रुपीज से लेकर 30 लाख रुपए के बीच में, तो इस केस में बैंक ये बोलते हैं कि 90% पैसा मैं दे दूंगा, 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर किसी का घर मान लीजिए 30 लाख रुपीज का, तो इसमें 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट होगी और 27 लाख रुपए बैंक आपको लोन दे देगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी के घर की वैल्यू 30 लाख रुपए से लेके 75 लाख रुपए के बीच में, तो इस केस में बैंक ये बोलते हैं कि 80% पैसा मैं दे दूंगा और 20% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए किसी के घर की वैल्यू जो वो खरीदना चाहते हैं उसकी वैल्यू है 60 लाख रुपए, तो इस केस में 48 लाख रुपए तो बैंक आपको लोन दे देगा और बचा हुआ 12 लाख रुपए डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के घर की वैल्यू 75 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में बैंक बोलता है कि मैं सिर्फ 75% पैसा ही लोन दूंगा, 25% आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। जैसे मान लो अगर 1 करोड़ रुपए का घर है, तो 75 लाख रुपए तो बैंक लोन दे देगा और 25 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बार हम मोर्टगेज का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। मोर्टगेज सिंपली यानी जब हम बैंक से लोन लेते हैं, मान लो ये मुझे घर परचेज कर रहे हैं, ये मान लीजिए कोई भी एक सेलर है, इससे मैं घर परचेज कर रहा हूं। अब ये घर तो मैंने परचेज कर लिया, रजिस्ट्री भी मेरे नाम होगी, लेकिन जो इसका घर है इसके ऊपर एक चार्ज
चार्ज क्रिएट करता है बैंक, जिसे हम बोलते हैं मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का सिंपली मतलब ये होता है कि क्या हुआ, जब ये मैंने घर परचेज किया, इस घर के अंदर मान लो 1 करोड़ रुपए का ये घर है, अब इसमें मैंने सिर्फ 25 लाख रुपए ही अपने लगाए हैं और पूरा का पूरा पैसा मैंने सेलर को दे दिया, यानी सेलर को तो 1 करोड़ रुपए पूरे मिल गए, लेकिन ये घर खरीदते समय मेरे सिर्फ 25 लाख रुपए ही लगे और 75 लाख रुपए किसके लगे, बैंक के। घर में मैं रह रहा हूं, पूरा का पूरा पैसा किसका लगा, यानी ऑलमोस्ट 75% पैसा किसका लगा, बैंक का लगा। तो जब तक मैं बैंक का पूरा पैसा नहीं लौटा देता, इस घर के ऊपर एक चार्ज रहेगा जिसे हम बोलेंगे मॉर्टगेज। अब मॉर्टगेज का साधारण भाषा में मतलब ये है कि ये जो घर है ना, ये बैंक के पास गिरवी है। कब तक, जब तक मैं बैंक का पूरा पैसा रीपे नहीं कर देता। जब मेरी पूरी EMIs खत्म हो जाएंगी, तब मैं बैंक में जाके सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं अपनी NOC बैंक से लूंगा, जिससे हम बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। NOC लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि होम लोन कंप्लीट हो गया, पूरा पैसा मैंने दे दिया, मैं NOC लेने नहीं गया बैंक से, लेकिन होता क्या है कि बैंक के अंदर जो ये होम लोन अकाउंट है ये अभी भी चल रहा होता है। हो सकता है, काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि मान लो किसी के 2-3 हज़ार रुपये देने पेंडिंग रह गए, तो ऐसे में क्या हुआ, 2-3 साल तक तो बैंक ने भी आपको कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन वो जो 2-3 हज़ार रुपये पेंडिंग थे ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के, पेनल्टी लग के, वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते 20-25 हज़ार रुपये तक पहुँच गई। तो फिर ऐसे में बैंक आपको कॉल करेगा कि आपके 20-25 हज़ार रुपये पेंडिंग पड़े थे। तो ऐसे में जब आपकी किस्तें पूरी भरी जाए ना, यानी मान लीजिए आपका लोन पूरा क्लियर हो जाए, तो उस दिन सबसे पहला काम आप यही करना कि बैंक जाना और अपनी NOC ज़रूर लेना। NOC का मतलब ही है कि मेरा जो लोन अकाउंट है वो क्लोज हो चुका है, यहाँ से आप चार्ज रिमूव कर दीजिए, यानी मॉर्टगेज का चार्ज रिमूव कर दीजिए। अब ये घर कंप्लीटली उस कस्टमर का हो चुका है। अब यहाँ पर हमने सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए जो भी होम लोन से जुड़े हुए थे। अब हम यहाँ पे एक बार कंपैरिजन करना शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन का। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वेरी करते हैं 7.95% से लेकर 9.30% तक। अब आप ये कहोगे कि 7.95% से 9.30% तक, मतलब एक वेरिएशन क्यों लगा रखा है, या तो आप कहो भी 7.95% है या फिर कहो 9.30% है। देखो, होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो काम करते हैं RBI की रेपो रेट से, यानी आज की डेट में जो भी होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काम करते हैं RLLR, यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट के ऊपर। जैसे रेपो रेट आज की डेट में 5.40% चल रही है, तो 5.40% प्लस बैंक का प्रॉफिट, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपसे चार्ज करेगा। कल को रेपो रेट बढ़ेगी तो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। ऐसे केस में बैंक ये बोलता है कि जो हम एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं ना, ये हम एक तरह से आपसे इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि मान लो बैंक 100 लोगों को होम लोन दे रहा है, 100 में से बैंक ये मान के चलता है कि 10 लोग तो डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये जो 10 लोग डिफॉल्ट करेंगे ना, इनका पैसा भी तो बैंक कस्टमर से ही रिकवर करेगा। तो इसीलिए ये एक वेरिएशन बैंक आपको देता है। यानी अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा सिंपली ये बोलता है कि अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टाफ हमसे होम लोन लेगा ना, तो हम उसे 7.95% पे देंगे। अगर कोई नॉर्मल कस्टमर हमसे लेगा, तो उस केस में हम उसका सिबिल स्कोर देखेंगे। अगर किसी का सिबिल स्कोर 800 प्लस है, यानी 800 से भी ज्यादा है, तो हम उसे 7.95% पे ही दे देंगे। किसी का 750 से 800 के बीच में, उसे हम 8.30% पे देंगे। किसी का 700 से 850 के बीच में, तो उस केस में हम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज कर देंगे। किसी का सिबिल स्कोर खराब है, तो उस केस में हम 9.30% पे देंगे। किसी का बहुत ज्यादा सिबिल स्कोर खराब है, तो फिर उसकी फाइल ही बैंक रिजेक्ट कर देता है। तो यहां पर बेसिकली इंटरेस्ट रेट इसलिए वेरी करता है कि अगर किसी का सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, फर्स्ट टाइम आप कोई भी लोन ले रहे हो, तो उस केस में फिर आपसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर डिस्कस करनी थी कि अगर मान लीजिए बहुत बार मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना होम लोन मिलेगा, मेरी सैलरी 50,000 है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना होम लोन मिलेगा। तो ऐसे केस में कोई भी बैंक सिंपल सी ये कैलकुलेशन करता है, जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है ना, उसका 60 टाइम्स कैलकुलेट कर लो, यानी 60 गुना कैलकुलेट कर लो, उतना मैक्सिमम होम लोन आपको बैंक प्रोवाइड कर देगा। यानी जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 60 टाइम्स कैलकुलेट कर लो, ज्यादा से ज्यादा आपको उतना होम लोन मिल जाएगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के एक लोन एडवांटेज की अगर हम बात करें, तो इसका एक होम लोन है जिसे बोलते हैं बड़ौदा एडवांटेज होम लोन। इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा से एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो आपको 8% पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन दे दिया। अब आपको कितने हिसाब से देना है, अपनी जो EMIs आपकी बनेगी वो बनेगी 8% के हिसाब से। अब इस केस में बैंक ऑफ बड़ौदा ये बोलता है
है कि ठीक है आपका होम लोन 8% के हिसाब से चल रहा है, आप मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सेविंग्स अकाउंट है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 2.75% का, इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे 2.75% का, होम लोन आपका चल रहा है 8% का। लेकिन बड़ौदा एडवांटेज लोन ये बोलते हैं कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया जिसकी किस्तें आपकी चल रही है 8% के हिसाब से, अब कल को मान लो आपके पास कुछ पैसा आ गया और वो पैसा आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके पास आ गए और 10 लाख रुपए आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिए, तो इस केस में ये जो 10 लाख रुपए हैं इसके ऊपर वैसे तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 2.75% के हिसाब से, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवांटेज होम लोन यही बोलता है कि जो पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे ना उसके ऊपर हम आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, और जो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे ना होम लोन के केस में, जैसे आपने 10 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखे तो 10 लाख रुपए के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, लेकिन जो आपका होम लोन 50 लाख का चल रहा था ना अब इसे हम घटा के कर देंगे 40 लाख रुपए, यानी यहां पे आपको 10 लाख रुपए का एडवांटेज हो गया, क्योंकि इस 10 लाख रुपए के ऊपर आपको मिलना तो चाहिए था 2.75% का इंटरेस्ट रेट, लेकिन आपको कितना मिल रहा है 8% का इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जो पैसा आपने सेविंग्स अकाउंट में रखा है उस पैसे के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, लेकिन होम लोन के अंदर जो आपको इंटरेस्ट पे करना था बैंक को वो इंटरेस्ट भी बैंक आपसे चार्ज नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यानी एक तरह से 8% माइनस 2.75% यानी 5.25% का प्रॉफिट डायरेक्टली आपको मिल रहा है। इन सब के अलावा एक बड़ौदा होम सुविधा पर्सनल लोन की फैसिलिटी भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए जब भी हम होम लोन लेते हैं तो होम लोन के साथ साथ हमारे दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हो गए, नोटरी का एक्सपेंस हो गया, ये एडवोकेट की फीस हो गई, इन सब के अलावा आर्किटेक्ट की फीस हो गई, इन सब के अलावा जो आपको इंश्योरेंस लेना है मान लीजिए जो लाइफ इंश्योरेंस आप लोगे, यानी कुल मिला के ये एक्स्ट्रा बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं होम लोन के अलावा, तो इस केस में बैंक ये बोलते हैं कि अगर आपके पास इन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के पैसे नहीं है ना तो इस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के लिए होम लोन के अलावा हम आपको एक पर्सनल लोन भी सैंक्शन कर देंगे, छोटा सा पर्सनल लोन आपके लिए बना देंगे, इसकी भी आप ईएमआई करके हमारा पैसा हमें लौटा सकते हो। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो ना तो इस केस में अगर आप कोई भी प्री पेमेंट करना चाहते हो तो कोई भी प्री पेमेंट की पेनल्टी बैंक ऑफ बड़ौदा आपके ऊपर इंपोज नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर हम SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की बात करें तो ये अलग अलग वेरिएंट में आपको होम लोन देते हैं। सबसे पहला जो इनका होम लोन है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी पे होम लोन। अब ये जो फ्लेक्सी पे होम लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये सिर्फ और सिर्फ SBI ने बनाया सैलरीड क्लास लोगों के लिए, यानी जो भी लोग कहीं पर जॉब करते हैं उन्हें अगर SBI से होम लोन चाहिए तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं SBI का फ्लेक्सी पे होम लोन। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा आपका होम लोन जब आप 70 ईयर्स की एज में पहुंचोगे तब तक आपका होम लोन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टेन्योर चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ये 30 ईयर्स का प्रोवाइड करते हैं। इन सब के अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है 0.40%, जिसमें कम से कम प्रोसेसिंग फीस आपसे 10,000 रुपये चार्ज की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 प्रोसेसिंग फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर से चार्ज करता है। अब यहाँ पर अगर हम इनके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ज़्यादा है तो इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे 7.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 के बीच में तो 7.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 700 से 750 के बीच में तो फिर 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। अगर मान लीजिए आप पहली बार कोई लोन ले रहे हैं तो इस केस में भी फिर 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपसे चार्ज करेगा। यानी अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो होम लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरेटिवली सस्ते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का बिजनेस है, यानी अगर मान लीजिए कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसे अगर SBI से होम लोन चाहिए तो इस होम लोन का नाम रखा है होम लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी इस केस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस SBI ने रखी हैं, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इस केस में SBI सिंपली ये बोलते हैं कि अगर आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बोल रहे हो तो या तो आप प्रोपराइटर होने चाहिए या फिर कोई एक पार्टनर होने चाहिए अगर आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, या फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर आप होने चाहिए तभी आप खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हो। इन सब के अलावा जो भी आपका बिजनेस है वो पिछले 3 साल से कम चल रहा होना चाहिए, यानी सेम बिजनेस पिछले 3 साल से आपकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उस बिजनेस की।
इन सब के अलावा आपका सिविल स्कोर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपकी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आपके या आपकी फर्म के नाम से कोई भी ऐसा लोन नहीं होना चाहिए जिसने पास्ट में कोई डिफॉल्ट किया हो। इन सब के अलावा इसके अंदर अच्छी बात यह है कि जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, यानी अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हो तो मिनिमम एज की जो रिक्वायरमेंट है वो 18 साल है, और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल सेम वैसी ही है 0.40% जैसी सैलरीड क्लास के केस में SBI आपसे चार्ज कर रहा था। अब तीसरे टाइप का जो होम लोन SBI प्रोवाइड करता है उसका नाम है SBI प्रिविलेज होम लोन। ये होम लोन SBI सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अब इस केस में इन एम्प्लॉयज़ को SBI कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं, क्योंकि SBI को ऐसा लगता है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वहां से इनका जो इंटरेस्ट है वो टाइमली आ जाएगा, इनकी कोई भी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी। इन्हें जो बेनिफिट्स SBI प्रोवाइड करता है वो है, सबसे पहला ये है कि इनसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करता, यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो SBI से होम लोन लेने का आपको बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप वुमेन बोरोअर हो तो इस केस में 0.50% का इंटरेस्ट रेट कंसेशन भी आपको मिलेगा। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए आप कोई भी प्री पेमेंट करते हो कल को आगे जाके, तो कोई भी प्री पेमेंट की पेनल्टी भी आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा जब आप 70 ईयर्स की एज में पहुंचोगे तब तक आपका होम लोन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसी जो चौथे प्रकार का जो होम लोन है वो है SBI का शौर्य होम लोन। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो डिफेंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस पर्सनल हो गया, या फिर मान लीजिए कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी डिफेंस बैकग्राउंड से जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए जो होम लोन है वो है SBI का शौर्य होम लोन। इस केस में भी सेम फैसिलिटीज है, कोई भी आपको प्रोसेसिंग फीस पे करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके ऊपर प्री पेमेंट पेनल्टी SBI इंपोज नहीं करेगा। इन सब के अलावा वुमेन अगर कोई बोरोअर है तो उस केस में एक्स्ट्रा कंसेशन इंटरेस्ट रेट में आपको मिल जाएगा अगर आप SBI शौर्य होम लोन के लिए अवेल करना चाहते हो। इन सब के अलावा मिनिमम एज इस केस में भी 18 साल होना जरूरी, और ज्यादा से ज्यादा इस केस में 70 साल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 75 साल की एज तक का टाइम पीरियड मिलता है, यानी 75 ईयर्स की एज तक आप अपना होम लोन इजीली अपना उतार सकते हो। इसके बाद एक बार हम वीडियो के एंड में दो और कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। पहला है बैलेंस ऑफ ट्रांसफर, जिसे हम बोलते हैं होम लोन BT। बैलेंस ऑफ ट्रांसफर का सिंपली मतलब ये होता है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लीजिए फिलहाल आपका होम लोन ICICI बैंक में चल रहा है, या फिर मान लीजिए किसी भी बैंक में चल रहा है, मान लीजिए हम यही मान लेते हैं कि ICICI बैंक में चल रहा है। अब मान लो ICICI बैंक के जो होम लोन के इंटरेस्ट रेट हैं वो आपको महंगे लग रहे हैं, दूसरी तरफ मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है कि हमारे जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ICICI से बहुत सस्ते हैं, तो आप ऐसा करो कि अपना होम लोन ट्रांसफर कर लो ICICI बैंक से SBI के अंदर। तो इसे हम बोलते हैं, जब भी कोई कस्टमर एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना होम लोन ट्रांसफर करता है तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रांसफर। तो इस केस में आप अपना होम लोन ट्रांसफर भी कर सकते हो, SBI आपका पूरा लोन एक बार ICICI को पे कर देगा और आपको अपनी EMI फिर वही कंटिन्यू करनी है SBI के पास। दूसरी चीज ये होती है होम लोन टॉपअप। जैसे होता क्या है, मान लो हमने कोई भी घर परचेज करना है या फिर मान लो घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, उस केस में मान लो इनिशियली मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, लेकिन घर बनाते बनाते ये मेरे 50 लाख रुपए पूरे खत्म हो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है घर तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए की और भी लोन की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम एक लोन ले चुके होते हैं उसके ऊपर जब हमें एक और लोन चाहिए होता है, यानी लोन के ऊपर जब लोन चाहिए होता है, उसे हम बोलते हैं होम लोन टॉपअप। तो ये दो कंसेप्ट आपके लिए जानना भी जरूरी था। इन सब के अलावा एक प्रधानमंत्री आवास योजना के ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि होम लोन क्या है और बड़ौदा बैंक का होम लोन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।